गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल मंसल। आज जो हम अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स से, जिसके अंदर हम सीखेंगे शेयर कैपिटल के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल का मीन्स होता है कि फर्म अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देती है। द होल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशन। दीज स्मॉल डिनोमिनेशन इज नोन एज शेयर्स। जैसे कि मान लीजिए हमारी फर्म की टोटल कैपिटल 1,00,000 रुपए है और आपने उस 1,00,000 की कैपिटल को 10 रुपए के छोटे छोटे अंशों में डिवाइड कर दिया, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 10,000। तो ये 10,000 आपके पास क्या है, शेयर्स है। और उस एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 1,00,000 रुपए हो गए। क्लियर है। अभी आपको सीबीएसई बोर्ड में बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन मिलता है, स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, तो आज इसको ही हम करा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे हमें अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, बैलेंस शीट एज ऑन हमारा करंट ईयर लाइक 31st of March 2020 हमने मेंशन कर दिया, जिस कंपनी की है लाइक एबीसी लिमिटेड वो हमने मेंशन कर दिया। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर ये इसका फॉर्मेट रहता है। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास वैसे तो 3 मेजर हेड है और एसेट के 2 मेजर हेड है, बट हमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 12 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी अकाउंट में पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है। हमें सिर्फ बैलेंस शीट से शेयर होल्डर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल का कॉलम जो है पूरा करना है। वैसे तो शेयर होल्डर फंड में हमारे पास में 3 सब हेड आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर इशू अगेंस्ट वारंट, बट हमें सिर्फ किसको दिखाना है, शेयर कैपिटल को, अदर को हमें नहीं दिखाना है। क्लियर है। तो इसका नोट नंबर आपको बनाना है, नोट यहाँ पे मेंशन है, किसी बच्चे ने अगर शेयर कैपिटल के सब हेड याद ना किए हो तो वो भी आज आपको याद हो जाएंगे। देखिए शेयर कैपिटल में ऊपर आपको सिर्फ फाइनल अमाउंट लिखनी है, और ये फाइनल अमाउंट कहाँ से निकली उसके लिए नोट नीचे बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट में क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल के 2 और नाम है। इस बार के सीबीएसई जो आपका 2019 का पेपर हुआ उसमें पूछ रखा था कि नॉमिनल कैपिटल को किस और नाम से जानते हैं, तो नॉमिनल कैपिटल ही आपकी ऑथोराइज कैपिटल होती है। तो ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल और आपका एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये किसी के पार्ट है, ऑथोराइज के पार्ट है। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार इशू करेगी, इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। अगर करना होगा तो कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक चेंज करके उसमें वो कर सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल को हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, लाइक एबीसी लिमिटेड की टोटल कैपिटल 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 जो कैपिटल है उसकी, वो उसकी क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है। 1,00,000 रुपए उसकी क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है। उस 1,00,000 की कैपिटल को उसने क्या कर रखा है, इट डिवाइडेड कैपिटल इनटू 10 पर शेयर, उसने अपने 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइड कर रखा है। तो इट्स मीन उसकी टोटल जो कैपिटल है वो 10,000 शेयर में डिवाइड हो गई है, 10,000 शेयर में, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, टोटल उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो 1,00,000 उसकी क्या हो गई है, ऑथोराइज कैपिटल हो गई है। नेक्स्ट वन है इशू 9,000 शेयर टू द पब्लिक। इसमें वो देखो हमने इशू तो किए हैं 1,00,000 कैपिटल, मीन्स मेरी कैपिटल तो है 1,00,000, लेकिन उसमें से डिपेंड करता है आपको जरूरत कितने रुपए की है। जितने रुपए की जरूरत है आप उतने ही शेयर तो सिर्फ आम जनता को इशू करेंगे, इससे ज्यादा तो इशू नहीं करेंगे आप आम जनता को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक, मीन्स हमने जितने शेयर के लिए आम जनता को अप्लाई करवाया है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो क्वेश्चन में जैसे ऑथोराइज 1,00,000 कैपिटल, हमने आम जनता से कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, 9,000 शेयर के लिए, तो 9,000 शेयर हमारी क्या हो गई है, इशूड कैपिटल, और एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपया है, तो टोटल 90,000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, इशूड कैपिटल हो गया। क्लियर है, समझ गए यहां तक। आगे देखिए सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब होता है कि उनमें से कितनी शेयर के लिए आम जनता ने अप्लाई किया। मान के चलिए
कि हमने इशू तो किए थे 9000 शेयर, लेकिन आम जनता ने उसमें से अप्लाई किया है पूरे 9000 शेयर के लिए। पब्लिक अप्लाई फॉर 9000 शेयर, पब्लिक ने पूरे 9000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास देखिए सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट बनते हैं, एक तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड, एक होता है सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। अगर आम जनता ने पूरे 9000 के लिए अप्लाई किया है तो ये आपका सब्सक्राइब फुल्ली पेड का केस बन जाएगा। 9000 गुना में 10 टोटल कितना हो गया 90000। आपके पास रुपए कितने आ गए आम जनता से 90000 रुपए आ गए। इस 90000 रुपए को उठा करके आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि मेरी टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 90000, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अभी इसमें जो जो चेंजमेंट आता जाता है उसको सुनते जाइए। मान लीजिए पब्लिक ने अप्लाई किया है 8000 शेयर के, पब्लिक ने अप्लाई किया है 8000 शेयर के, और हमने वो 8000 शेयर उनको अलॉट कर दिया, उनको दे दिया है। इसका मीन इशू कैपिटल तो 9000 थी, लेकिन अप्लाई कितने के लिए किया 8000 के लिए, और पूरा 10 रुपए के हिसाब से आ गया, तो टोटल मेरे पास कैपिटल कितनी आई 80000 रुपए की। तो मैं ऊपर कितने रुपए की कैपिटल मेंशन करूंगा 80000 रुपए। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ आ गया? इसमें मैं आपको एक नंबर का क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया रखा हुआ है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स जितने शेयर हमने आम जनता को इशू किए हैं उनमें से कम इतने शेयर के लिए एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। अगर इतने के लिए भी एप्लीकेशन नहीं आई तो आपको सारा रुपया वापिस भेजना पड़ता है आम जनता को, आप कोई शेयर अलॉट नहीं कर सकते। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी ने कितना डिसाइड किया है 90% का, 90% रुपया तो आपका आना ही चाहिए। मीन्स आपने 9000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 9000 का 90% कितना होता है 8100, तो 8100 के लिए तो जरूर एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 8000 के लिए है, समझते हैं? अगर यहीं पे मुझसे वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा होता कि 8000 शेयर के लिए आई क्या आप इशू कर सकते हैं, आपका आंसर होता नहीं, मैं इशू नहीं कर सकता क्योंकि एप्लीकेशन 90% के लिए मिनिमम आनी चाहिए, अब मुझे ये सारा रुपया वापिस भेजना पड़ेगा, मैं कोई शेयर इशू नहीं कर सकता। क्लियर है ये वाली चीज? तो याद रखना इस चीज को, ठीक है? नेक्स्ट वन आप सुनिए। मान के चलिए अभी बात करेंगे हम किसकी, नॉट फुल्ली पेड के। नॉट फुल्ली पेड का मीन होता है कि आपने इशू तो किए लेकिन वो अभी फुल्ली पेड नहीं हुए। उसमें कुछ केसेस हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए पब्लिक ने अप्लाई किया 8000 शेयर के लिए, आपने उनको वो अलॉट कर दिया, वी अलॉट देम दीज 8000 शेयर, बट होल्ड ओनली 8%। देखिए अब हमने 8000 शेयर पब्लिक को दे दिए, लेकिन 8000 पे 10 के हिसाब से रुपए तो आते 80000, लेकिन मान लीजिए हमें अभी 80000 रुपए की जरूरत नहीं है, थोड़े कम रुपए की जरूरत है, तो जितने रुपए की डिमांड है उतना रुपया उनसे मंगा लीजिए, और जो रुपया आपने नहीं मंगाया उसे आप अपने कभी फ्यूचर में मंगा सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं मंगाया। इट्स मीन देखिए क्वेश्चन में क्या था कि अप्लाई किया 8000 के लिए लेकिन हमने कोल्ड कितने किए सिर्फ 8%, तो फुल्ली कोल्ड अब तो हुए नहीं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली कोल्ड या फुल्ली पेड अब तो होंगे नहीं, तो ये किसमें आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। हमने कोल्ड अप कितना किया, हमने कोल्ड अप किया 8000 शेयर 8 के हिसाब से, इट्स मीन हमने कितने रुपए मंगाया 64000, तो लोग पेड भी कितने करेंगे 64000, तो रुपया कितना आया 64000, तो शेयर कैपिटल कितने की लिखी जाएगी 64000 की ही लिखी जाएगी। क्लियर है? और नॉट कोल्ड अप कितनी रहेगी आपके पास, नॉट कोल्ड अप 8000 शेयर थे, 2 के हिसाब से आपने नहीं मंगाए, तो नॉट कोल्ड अप कितना आपके पास 16000। इसको जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम मंगा लेना, कोई आपको मना तो करेगा ही नहीं, आपकी की कैपिटल है आपको वापिस वो मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके पास केस हो गया सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप का, ठीक है? अभी इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए पब्लिक अप्लाई फॉर 8000 शेयर, वी अलॉट देम, ठीक है,
हमने उनको क्या कर दिया, वो 5,000 शेयर अलॉट कर दिए। रोहन होल्ड 1,000 शेयर। एक मान लीजिए एक शेयर होल्डर है रोहन, और उसके पास कितने शेयर है, 1,000 शेयर है। पेड ओनली 6 पर शेयर। रोहन जो है उसके पास 1,000 शेयर है, उसने सिर्फ 6 के हिसाब से पेमेंट करी। कितने के हिसाब से पेमेंट नहीं करी, 4 के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए दोनों केस एक्टिव हो जाएंगे, सब्सक्राइब फुल्ली पेड का भी, सब्सक्राइब नोट फुल्ली पेड अप का भी। कैसे होगा ध्यान से सुनना। 8,000 में से रोहन के पास 1,000 शेयर थे, सिर्फ उसी ने तो आपकी पेमेंट नहीं करी, इसका मतलब जो बचे हुए 7,000 है उन्होंने तो आपको पूरा रुपया दिया है ना। 7,000 पे 10 के हिसाब से उनका तो पूरा 70,000 रुपया आपके पास आया, मानते इस चीज को। लेकिन जो रोहन है उसके पास 1,000 शेयर है, उसने आपका रुपया कम दिया है। उसको हमने कोल्ड कितने के लिए किया था, भाई आप 1,000 रुपये दें, 10 के हिसाब से दें और 10,000 रुपया आप पेड करें। लेकिन रुपया किस में आ गया, कॉल इन एरिया में, मतलब कॉल तो किया लेकिन बीच में अटक गया या रुपया उसने पेड नहीं किया। कितना पेड नहीं किया, 1,000 गुना में 4,000 पेड नहीं किया। तो पेड किया कितना उसने, 6,000 रुपया पेड किया। तो रुपया आया कितना है, 6,000। इस 6,000 रुपये को आप इस 70,000 में ऐड करके अपनी टोटल कैपिटल बना लेंगे 76,000 की। तो आपके पास कैपिटल कितनी आई, 76,000। और इसी 76,000 को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। समझ में आया। इस तरीके से आपके पास में सब्सक्राइब का भी, फुल्ली पेड भी एंड सब्सक्राइब नोट फुल्ली पेड अप का क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास वीडियो में यही था। आप अपनी बुक से अपने फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशन को करेंगे और आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये वीडियो को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, देन उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इलस्ट्रेशन करिए। चारों के मैंने अपनी तरफ से डेमो क्वेश्चन लेकर के आपको समझाया। ठीक है, और कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके उनकी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।